हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ होन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम SD1 का जो पेपर आ सकता है फॉर आवर इनसेम एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी में, तो इसका प्रोबेबल पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो 30 मार्क का आता है। उसमें पहले के 3 यूनिट है, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से कौन से भी 3 हमें सॉल्व करने होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन 1 में ए एंड बी ये दो पार्ट आ सकते हैं, वो यूनिट 1 के ऊपर होंगे। तो उसमें एक थ्योरी पार्ट हो सकता है एंड एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो रिगार्डिंग थ्योरी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, व्हाट आर बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक प्रॉब्लम आ सकता है बोल्टेड और वेल्डेड के ऊपर, या उसके साथ टेंशन मेंबर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इट्स प्रोबेबल, इट्स नॉट कन्फर्म। देन उसके साथ और में आ सकता है अगेन सेम। सेकेंड क्वेश्चन भी 10 मार्क का है, पहला क्वेश्चन भी 10 मार्क का है। तो अगेन इट इज़ ऑन यूनिट 1, उसमें अगेन एक प्रॉब्लम आ सकता है टेंशन मेंबर। तो ये टेंशन मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम TDG TDN यूज़ करते हैं, दैट इज़ एज पर IS 1800 2007, तो ये क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा है। तो आप एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ। देन उसके ऊपर उसके साथ आएगा थ्योरी, 3-4 मार्क के लिए आ सकता है, बोल्टेड और वेल्डेड या कोई भी बेसिक क्वेश्चन ऑन यूनिट 1। देन यूनिट 2 जो है हमारा, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, उसमें कॉलम है, स्ट्रट है, लेसिंग बैटनिंग है, तो ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 3 ए एंड बी में। तो इसमें एक अगेन थ्योरी आ सकता है लेसिंग बैटनिंग का, नहीं तो डिफरेंस आ सकता है या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। एंड पैरेलली उसके साथ कॉलम या स्ट्रट का प्रॉब्लम आ सकता है। कॉलम का कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट भी पूछ सकते हैं एज पर IS, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि IS की थ्योरी नहीं लिखनी, आपको खुद से समझ के उसके पॉइंट लिखने होते हैं। उसके साथ और में आ सकता है अगेन एक प्रॉब्लम आ सकता है लेसिंग बैटनिंग का, नहीं तो एक पूरा प्रॉब्लम आएगा 10 मार्क का लेसिंग या बैटनिंग का। एंड थ्योरी आ सकता है कंप्रेशन मेंबर का। देन जो हमारा यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 अगेन इट इज़ ऑन बेस प्लेट एंड कॉलम एनालिसिस। तो 3 बेस प्लेट हमें पता है, एक सिंपल बेस प्लेट है, स्लैब बेस बोलते हैं उसको, दूसरा है गसेट बेस एंड तीसरा है मोमेंट रेस्टिंग बेस। तो तीनों में से एक कोई तो आ सकता है, या उसके और में रहेगा कॉलम एनालिसिस, या इसके साथ बेस प्लेट भी आ सकता है, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले ये, तो अगर आपको कुछ लगेगा तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।